से तैयारियां की गई हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। हम ट्रैफिक की स्थिति समझ रहे हैं, देख रहे हैं जो दूसरा पक्ष है, यानी एक तस्वीर पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से आई है, ट्रैक्टर ट्रॉलीज का एक कतारें देखनी शुरू हो गई है, पूरी तैयारी के साथ ऐसा लग रहा है किसान आ रहे हैं। आप क्या उस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं? देखिए, हम एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए गए हैं और यहाँ इनमें बाकायदा मिट्टी भरी गई है। आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ से इनको हिलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। और ये एक जगह की स्थिति नहीं है, ये सड़क के दोनों तरफ इसी तरह से कंटेनर्स यहाँ पर लगाए गए हैं और इनमें मिट्टी भरी गई है। ये मेन हाईवे है, इसके अलावा जो दोनों तरफ की जो लेन है दोनों साइड से वो भी बंद की गई है। उसकी भी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है, एक इंच भी ज़मीन नहीं है जो इधर से कोई उस तरफ से इधर आ सके। कंटेनर्स हैं, उसके बाद बैरिकेड्स हैं, उनके ऊपर कटीली तारे हैं। ये तैयारियां की गई है। इस सड़क को तो जो लेन है पूरी तरह से बंद किया गया है और जो मेन हाईवे है उसकी एक लेन चल रही है। तो पूरी तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं, इंतज़ाम किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। आपको सिंघू बॉर्डर का इलाका बिल्कुल इस वक्त अलग तरह से नज़र आएगा। यहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, यहाँ पर आरएएफ की मूवमेंट है। तो ये तस्वीर लगातार नज़र आ रही है तमाम बॉर्डर से। सिंघू बॉर्डर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसानों को इसी रास्ते से आना है। तीन जगह से मोटे तौर पर किसान प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते रहे, पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा पंजाब के लिए एक रास्ता ये है और एक टिकरी है, और यहाँ से पंजाब में जो किसान आने वाले हैं वो इसी रास्ते से आएंगे। तो यहाँ पर तैयारियां भी उसी पैमाने। बिल्कुल प्रियंका, एक बड़ा चैलेंज होता है मरीजों को, चूंकि अस्पताल पहुंचाना होता है, बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, उस स्थिति से निपटने के क्या इंतजाम किए गए? देखिए, अभी तक जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक एक लेन का रास्ता खुला रखा है, और पिछली बार भी मैं अगर आपको टीकरी की सिचुएशन बताऊं तो जब यहाँ पर पिछली बार इस लेवल तक किसान पहुँच गए थे, बावजूद उसके बैरिकेड को रखा गया था केवल इसलिए कि अगर एम्बुलेंसेस आ रही हैं तो वो निकल पाए, लेकिन उसके अलावा और किसी भी तरीके के वाहनों की एंट्री पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। यहाँ पर आप जहाँ पर एक पुलिस वाले को खड़े देख रहे हैं, इनके बगल में आप देखेंगे कि ये सीमेंट की छोटी दीवार ही कहूँगी मैं, बैरिकेड नहीं कहूँगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। और मैंने इन्हें गिना है, 8 लेयर की ये पूरी सीमेंट बैरिकेडिंग को यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ ब्लॉक्स हैं जो वैसे तो फ्लाईओवर बनाने में या बाकी चीज़ों में काम आते हैं, लेकिन फिलहाल इनसे भी रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी। वो क्यूब्स आप देख रहे हैं ब्रिज बनाने के काम आते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको रास्ता रोकने के लिए अवरोधक के तौर पर लेकर आया गया है। कंटेनर की तस्वीरें तो मैं आपको सुबह से लगातार दिखा रही हूँ, जरा बीच में अगर आप देखेंगे तो बीच में भी आपको ये स्लैब्स नजर आएंगे डिवाइडर में, जो कि जैसे ही ये जानकारी इन लोगों को मिलेगी कि आसपास पहुंचने वाले हैं किसान, उससे पहले इस पूरे रास्ते को बंद कर देंगे। फिलहाल ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे, यहाँ लोगों को परेशानी कम से कम हो, उसकी कोशिश ट्रैफिक पुलिस के जरिए देखी जा रही है। और एक ये कंटेनर है जो बिल्कुल जिसके पास हम मौजूद हैं, अपने कैमरा पर्सन नकुल को कहूंगी कि जरा दिखाएं कि किस लेवल तक, देखें यहाँ पर मिट्टी भर के इनको बंद किया गया है। ये लोहे के कंटेनर है, वैसे ही आम तरीके से हिलेंगे नहीं, लेकिन उस पर भी मिट्टी भरकर सीमेंट भरकर इनको बंद किया जा रहा है। और हाइट देखिए, क्योंकि पिछली बार हमने इन छोटे बैरिकेड्स पे, पुलिस के जो नॉर्मल बैरिकेड्स होते हैं उन पर ट्रैक्टरों को चढ़ते देखा था, इसीलिए इस बार हाइट वाइज भी कंटेनर्स को डबल किया गया है ताकि अगर मजदूर यहां तक पहुंच जाते हैं तो भी वो इसको क्रॉस ना कर पाए। बिल्कुल, तो हम तस्वीरें आपको गाजियाबाद की इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैसे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं। दफ्तर का वक्त है और ये सिलसिला अभी लंबा जारी रहेगा, लोगों को आज दफ्तर पहुंचने में देरी होगी, ये बात तय है, वो तस्वीरें भी बयान कर रही हैं। हमारी आपको बता दें, हमारी सहयोगी रीमा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। रीमा, जरा हाईवे का हाल बताइए, हाईवे का क्या हाल है जो चंडीगढ़ से दिल्ली को जोड़ता है? यह NH-44, और यहाँ से अगर किसी को दोपहर में मीटिंग करनी है तो अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलकर वो चंडीगढ़ पहुंचेगा और फिर शाम तक वो लौट जाएगा। आम दिनों में यही सूरत रहती है और ठीक उसी तरीके से चंडीगढ़ से किसी को दिल्ली में मीटिंग है तो वो यही करने वाला है, लेकिन अब क्या होगा, आज से ये सूरत बिल्कुल पंकज बदल जानी है। आज से ये स्थिति रहनी है कि यह NH की रफ्तार थम चुकी है, यहाँ NH-44 पे हम गाड़ियों को नहीं देख पा रहे हो उस तरीके से, यहाँ पे सिर्फ वही गाड़ियों का मूवमेंट है, उसी तरीके से गाड़ियाँ आ रही है जिसकी जरूरत है,
जिसको सुविधाओं में लगाया है, जिसको आपात स्थिति के लिए लगाया गया है। बाकी बस ये दूसरी तरफ का जो रूट है उसे अभी तक ओपन रखा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद दोपहर होने के साथ साथ यहाँ गाड़ियों की चहलकदमी रुक जानी है और ये जितने लेयर्स की बैरिकेडिंग आपको दिख रही है वो शायद और भी ज़्यादा बढ़ जानी है, ये सूरत बनने वाली है। और जैसा कि किसान नेता ये कह रहे हैं कि हम मौके पे ही ये तय करेंगे कि हमें क्या करना है, तो इससे ये भी एक संकेत मिल रहा है कि आंदोलन तो तब तक चलेगा जब तक सरकार उनकी आखिरी शर्त नहीं मान जाती है। लेकिन हर आंदोलन की सच्चाई यही होती है कि सुनी उसी की जाती है जो धरने पे बैठता है, उसकी नहीं सुनी जाती जो कोई हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ते में रुक रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान है, अपने रोजगार के लिए। धीरे धीरे रवाना किया जा रहा है जो सर्विस लेन्स है, अभी वो मैं आता हूं रीमा आपके पास। जावेद जरा आप बताइए, जो सर्विस लेन्स है उनमें अभी ट्रैफिक चल रहा है, हाईवे से भी ट्रैफिक अभी गुजर रहा है, लेकिन किस तरह की डायरेक्शंस हैं पुलिस कर्मियों को ऑफिसर्स की तरफ से कि जब किसान दिखेंगे, उनकी ट्रॉलीज ट्रैक्टर ट्रॉलीज आती हुई नजर आएंगी, उनको क्या करना है, उसके इंतजाम कैसे किए गए? देखिए वो तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली को एक अवैध किले में बदलने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर देखिए, जो दिल्ली हरियाणा के जो हाईवे है उसके दोनों तरफ जो लेन है उनको किस तरह से बंद किया जा रहा है, पक्का किया जा रहा है, उसकी तस्वीर आप देखिए। पहले सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स लगाए गए हैं और उसके बीच में कंक्रीट का जो मसाला है वो डाला जा रहा है ताकि ये पूरी तरह से पक्का हो जाए। आप तस्वीर देखिए, न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर ये आपको दिखा रहा है सिंघू बॉर्डर से, जहां पर जो बैरिकेड्स हैं उनको पक्का किया जा रहा है। पंकज पिछली बार भी हमने देखा था कि जब प्रोटेस्ट बढ़ा था तो वहां पर ऐसी स्थिति बनी थी जहां किसानों ने पक्के मोर्चे बनाए थे, तो वही सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी। और अब पहले से ही दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी कर रही है कि कोई भी दिल्ली के भीतर दाखिल ना हो सके, लिहाजा जो बैरिकेड्स हैं उनको बाकायदा पक्का किया जा रहा है, जो सीमेंट के ब्लॉक्स हैं उनके भीतर कंक्रीट का मसाला जो है वो डाला जा रहा है। और इसके बाद तस्वीर देखिए, जो सीमेंट के बैरिकेड्स के बाद लोहे के बैरिकेड्स लगे हैं उस पर कटीले तार लगे हैं और उसकी कई लेयर बनाई गई हैं, और उसके बाद आप देखिए कि कंटेनर्स लगाए गए हैं, तो पूरी तरह से एक किले में तब्दील किया जा रहा है। मेरा जो सवाल था आपसे, छोटा सा जवाब दीजिएगा कि किसानों को रोकने की पूरी तैयारी की गई है, लेकिन अगर किसान रुक गए वहां बैठ गए तो वो भी एक नई दिक्कत पैदा होगी। देखिए बिल्कुल वो बहुत बड़ी दिक्कत होगी और वो दिक्कत लोगों के जहन में ताजा इसलिए है क्योंकि पिछले बार जब प्रोटेस्ट हुआ था तो 13 महीने प्रोटेस्ट चला था इसी सड़क पर जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, और इसके आसपास रहने वाले लोगों को एक साल तक रूट डाइवर्ट करके जाना पड़ता था, लंबा लंबा ट्रैफिक लगता था, तो उसके बाद स्थिति वो हमने देखी है। लेकिन बॉर्डर पर स्थिति कैसी बनी थी उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया था कि दिल्ली के अंदर किसान दाखिल हो गए थे, लाल किले तक पहुंच गए थे, तो वो तस्वीरें भी हमने देखी। लेकिन इस बार अभी पंजाब से कूच करेंगे, लेकिन यहाँ बॉर्डर पर तैयारी पूरी तरह से की गई है, हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं जो बिल्कुल। मैं लौटता हूँ आपके पास, जरा रीमा का रुख करना चाहूंगा। रीमा, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, आपके पास कुछ उस तरह की तस्वीरें हैं क्या? ये ड्रोन की तस्वीरें मैं जरा दिखाती हूँ, आप जरा ड्रोन हमसे दूरी पे है, मैं उस समय अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहती थी, लेकिन ये हर 15 मिनट पे ड्रोन का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, यानी ये टॉप एंगल से निगरानी रखी जा रही है पुलिस कर्मियों की चहलकदमी, इसके अलावा दोनों तरफ गाड़ियों की आवाजाही, लेकिन टॉप एंगल से ड्रोन की वो तस्वीरें जिससे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो उसके इनपुट के आधार पर वो डिसीजंस लेंगे कि जैसे जैसे वक्त चढ़ रहा है और अगर कहीं कुछ भी गड़बड़िया है या कहीं भी कुछ भी उनको ऐसा डाउटफुल दिख रहा है तो वो उस फुटेज के आधार पर डिसीजन ले सकते हैं। ये सारे इनपुट्स, ये सारे विजुअल्स उन तमाम सीनियर अधिकारियों के पास भेजा जा रहा है जो कि इस पूरी टीम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यानी ये रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें, दिल्ली पुलिस की टीमें, महिला पुलिसकर्मी, ये सभी का मूवमेंट क्या हो, क्या यहां से इनको थोड़ा सा मूव करके उधर ले जाया जाए या इनकी तैनाती उस तरह बढ़ाई जाए, इन सब के लिए क्या किया जा रहा है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। और ऐसा नहीं कि हर एक घंटे में, हर 10 से 15 मिनट पे यहां पे टॉप एंगल से ड्रोन का मूवमेंट हम देख रहे हैं, और ड्रोन के मूवमेंट होने के साथ साथ ही यहां पे तस्वीरें बदलती हुई जा रही है। ये दिल्ली पुलिस के कुछ वो सीनियर अधिकारी हैं जो कि मौके पे इस वक्त भी मौजूद हैं और वो टीमों से वक्त वक्त पे बात कर रहे हैं, वो डिसीजन अभी के अभी ले रहे हैं कि और क्या कुछ किया जा सकता है। मैं लौटता हूं आपके पास, जरा लवीना आप ये बताइए कि पिछली बार हमने देखा था पिछले आंदोलन में कि किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर में भी डेरा डाल रखा था, उससे किस तरह से निपटेंगे इस बार, अगर रोकेंगे तो किसान वहीं बैठने की कोशिश करेंगे?
बिल्कुल, पहली कोशिश तो यही है कि उन्हें आगे तक पहुंचने ही ना दिया जाए। लेकिन पंकज, मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूं, जहां तक इस वक्त मेरी नजर जा पा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बहुत लंबा जाम दिखाई दे रहा है। लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो फोर व्हीलर लेकर जो लोग पहुंचे हैं वो हो। और ये तस्वीर बदस्तूर आगे तक भी आपको इसी तरह देखने को मिलेगी। और आगे मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि बैरिगेटिंग भी कहीं कहीं जगह पर की गई है, ऐसे में जो रास्ता है यहाँ से निकल जाने का वो बहुत कम है। लिहाजा अब यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग हैं। अब आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग अपने दफ्तर को जा रहे होंगे या फिर ऐसे किसी काम के लिए जो बहुत जरूरी है, वो अस्पताल हो सकता है, वो स्कूल हो सकता है, वो कोई एग्जाम देने हो सकता है, तो फिर आप समझ जाइए कि वो आखिर आज पहुंचेंगे कैसे, ये कोई नहीं जानता। वहां तक जरा तस्वीरें मैं जहां तक देख पा रही हूँ, मुझे यही तस्वीर दिखाई दे रही है। एक तरफ ये लोग हैं, वो जनता है जो परेशान है, और दूसरी तरफ आप ये देख लीजिए कि पुलिस प्रशासन है जो अब मुस्तैद है। बिल्कुल, तो आम लोगों को परेशानी हो रही है। प्रियंका, क्या नाराजगी भी दिखा रहे हैं लोग, आप लोगों से बात भी कर रही होंगी, जिन्हें दफ्तर पहुंचना है, स्कूल पहुंचना है, अपनी फैक्ट्री पे जाना है, क्या कह रहे हैं लोग? आपको टॉप एंगल की तस्वीरें दिखा रही हूं फिलहाल, क्योंकि अगर टिकरी बॉर्डर की बात करें तो मुझे लग रहा है ट्रैफिक के लिहाज से शायद ये सबसे स्मूथ बॉर्डर फिलहाल तक बना हुआ है। ये टॉप एंगल तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से किलेबंदी की गई है। ये बड़े बड़े कंटेनर्स जहां तक कैमरा पहुंच रहा है वहां तक आपको नजर आएंगे, ये ट्रक कंटेनर्स दिख रहे हैं, क्रेन्स नजर आ रही हैं, पुलिस की जो एक टेम्परेरी चौकी सी इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है, कैंप ऑफिस बनाया हुआ है, वो यहाँ पर नजर आ रहा है, पुलिस वहां पर मौजूद की नजर आ रही है, आरएएफ के जवान, सीआरपी के जवान, ये तमाम तस्वीरें टिकरी बॉर्डर की हम आपको टॉप एंगल से दिखा रहे हैं। हम जरा हरियाणा की तरफ हल्का अगर हम पैन करें तो इस बिल्कुल अब जरा शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं अपने दर्शकों को, जरा वो आप तस्वीरें देखिए। अब देखिए किसानों का पहुंचना शुरू हो गया है, ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेकर किसान पहुंच रहे, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जहां उन्हें रोका जाएगा, हालांकि अभी उन्होंने तय नहीं किया कि फिर वो क्या करेंगे, लेकिन पिछले आंदोलन में हमने देखा था कुछ उसी तरह की तस्वीरें देख रहे हैं आप। किसान जो हैं वो अब जुटना शुरू हो गए, शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं।